नमस्कार, आइए बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली यहाँ पर कुल मिलाकर अनुकूलता के साथ में यहाँ पर बनी हुई है। व्यक्ति की थोड़ा सा जब गड्ढे के अंदर उंगली जाती है तो, या महिला की, तो वो इस बात को दर्शाती है कि ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन के अंदर साम दम दंड भेद नहीं जान सकती, तो जान सकती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यश की उंगली बिल्कुल लेफ्ट की थोड़ा छोटी लग रही थी देखने में, लेकिन मैंने राइट की उंगली देखी तो अनुकूलता के साथ में, यानी इस समय आपके पास बहुत शानदार तीव्र बुद्धि आपके पास में है, और उसके अनुसार आप जीवन में अच्छा आगे की तरफ, यानी कि अच्छा रुझान प्राप्त कर सकेंगे। सूर्य की उंगली होती है यश की और सम्मान की। यश की सम्मान की उंगली पर इस समय पर कोई भी स्पॉट मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ इस समय आपका उन्नति का समय चल रहा है, प्रगति का समय चल रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी उंगली यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ ऐसी महिला अपने स्वयं के माता पिता भाई बहनों से भी अच्छे संबंध रखती है। आइए शनि की उंगली की बात करते देता हूँ। शनि की उंगली जब एकदम सीधी और अनुकूल होती है तो ये राजनीति के लिए बहुत अच्छी जानी जाती है। साथ ही साथ जीवन में सही फैसला सही समय पर लेने की शक्ति भी इनके पास बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ कुल मिलाकर के इनके शनि यहाँ पर सहयोगात्मक है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली में लेफ्ट हैंड के बीच में ये गैप है, राइट हैंड में अगर उंगलियों को मिलाते हैं तो ये गैप है राइट का, और देख लेता हूँ क्योंकि आने वाले यहाँ लेफ्ट का है ये और राइट के, ये राइट में गैप है आपके में और ये आपके लेफ्ट में। यहाँ पर दोनों तरफ अगर मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में जो सिंबल है ये तो है माता पिता से प्रेम के लिए। यहाँ बृहस्पति की उंगली के लिए मैं कर रहा था बात, तो ये बृहस्पति की उंगली का ये गैप जो होता है थोड़ा इस प्रकार का हो सकता है कि आप बिल्कुल अपने पति के सामने स्पष्ट साथ से किसी बात को दृढ़ता के साथ में रख सकती हैं। थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन वैचारिक मतभेद तो जरूर होगा, लेकिन कुल मिलाकर दृढ़ता से अपनी बात को पति के सामने आप रख सकती हैं। तो ऐसा कह सकते हैं थोड़ा संबंधों में तो थोड़ा सा हल्की सी कड़वाहट है। आइए बात करता हूँ बुध पर्वत की। बुध पर्वत यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 3 से 4 रेखाओं का खड़ा होना जरूरी होता है। जब ये रेखाएँ आपके हाथ के अंदर होती हैं तो आपके भाग्य से निरंतर आप जहाँ भी रहें वहाँ पर धन का आगमन होता रहेगा। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर संतान का सुख से हुए आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अब बात करूँगा सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत यहाँ पर आपके राइट हैंड की रेखाएं तो अनुकूलता के साथ खड़ी हैं। अब लेफ्ट यहाँ देखें तो बिल्कुल यश और सम्मान प्राप्ति करने के लिए या राजनीति क्षेत्र में जाने के लिए जो अनुकूल रेखाएं हैं वो आपके पास में पूर्णतः स्थापित हैं। दूसरे हाथ के अंदर देखता हूँ तो यहाँ भी वो अनुकूलता के साथ में बनी हुई हैं। तो ये मिलाकर सूर्य पर्वत यहाँ कुल मिलाकर अनुकूल निकला। अब बात करते हैं शनि के पर्व की। शनि का पर्व यहाँ धन का पर्व, और धन के पर्व यहाँ पर लगातार खड़ी हुई रेखाएं, यानी कि कुल मिलाकर जीवन के अंत समय तक धन के आगमन आपके भाग से बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बृहस्पति का पर्व यहाँ अनुकूल रेखाओं से भरा पड़ा है और एक्स का चिन्ह भी छोटा यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ धर्म क्षेत्र की तरफ उठने वाली रेखाएँ, यानी कि कुल मिलाकर धर्म क्षेत्र, समाज के कार्य क्षेत्र, समाज में उन्नति प्राप्त करना, समाज के अंदर नाम प्राप्त करने की जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। तो बृहस्पति क्षेत्र भी यहाँ अनुकूलता के साथ में आपका बना हुआ है। आइए बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा और थोड़े छोटे 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 एक्स के हिसाब से कुछ यहाँ पर यदि देखता हूँ तो एक्स 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 जैसी स्थिति के साथ में चल रही है, यानी कुल मिलाकर के जहाँ आपका 47 है वहाँ से लेकर 55 तक आपका स्वास्थ्य के अच्छे संकेत यहाँ पर नहीं है। कोलेस्ट्रॉल होना, शुगर होना, बीपी का हाई हो जाना, कुछ इस तरह के संकेत, कोई बहुत बड़ी बीमारी की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर हृदय रेखा ठीक है। थोड़ा सा हृदय रेखा से जब ये रेखा जाकर नीचे को गिरती है तो ये पति के साथ में थोड़ा अनबन के संबंधों को दर्शाती है। चलिए ये सब हो गया, अब बात करूँगा इसके बाद में मैं सीधा सीधा आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएँ साहसिक रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। क्या आप में कर्म करने की क्षमता है? हाँ है, क्योंकि ये रेखाएँ कर्म वाली रेखाएँ मेरे हाथ के अंदर मौजूद है।
एक एक्स का चिन्ह यहाँ पर एक छोटा सा मौजूद है जो आपका टेम्पर कभी कभी आपको लूज कर देगा, यानी कि आपका तो कुछ दिमाग में थोड़ा सा जो कहते हैं ना क्रोध आ जाता है, मुझे फालतू बात पर क्रोध आ जाता है इस तरह की बात है, तो वो थोड़ा सा कड़क मिजाज व्यक्ति को बनाता है। यहाँ ये इंडिकेशंस हैं। अब मैं दूसरी रेखा जो बुद्धि रेखा उसके बारे में बात करता हूँ। बुद्धि रेखा की जब मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए बुद्धि रेखा में यहाँ पर आपके 47वें वर्ष में इस रेखा का यहाँ मंगल के साथ इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ये बुद्धि रेखा है आपकी, अच्छी खासी बुद्धि है आप में, और 47वें वर्ष में इस बुद्धि रेखा से एक रेखा का मंगल रेखा का उदय हो रहा है। इसका फल क्या है इसको मैं साथ के साथ बोलना जरूर चाहूँगा। आपने पूछा है प्रधानी का लक्षण जी सकती हूँ क्या, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। ये रेखा और साथ में साथ सूर्य पर्वत और यहाँ आपके बृहस्पति पर बने हुए ब्रैकेट्स और एक्स के चिन्ह इस बात को बताते हैं कि यानी कि यदि आपने लगभग लगभग मैं समझता हूँ अगस्त 2021 से सॉरी 2021 पूरा लेकर के और 2022 के लगभग लगभग मध्य तक अगस्त तक भी यदि आपने इलेक्शन लड़ा तो आप प्रधानी का इलेक्शन जीत जाएंगी, ये यहाँ पर संकेत है। दूसरी बात, यहाँ से एक छोटी सी रेखा का और हल्का सा यहाँ पर इस जगह से भी एक उदय है, यानी इस जगह से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मस्तिष्क रेखा से थोड़ा सा एक उदय यहाँ पर भी है, यानी ऐसा चांस यदि यहाँ ना होकर के इलेक्शन आपका आगे बढ़ जाता है तो मैं कहूँगा आपको कि आप जून 24 से लेकर के मई 2026 के बीच में भी यदि वो मौका आपको आया तो आप उसे भी कैश कर सकती हैं। तो ये दो मौके हैं आपके पास, इस समय पर आप इलेक्शन अगर लड़ेंगी तो आप विजयी हो जाएंगी। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद में आपके सीधा सीधा चंद्र पर्वत की, चंद्र पर्वत और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा यात्राओं के योग नज़र नहीं आते कि कुल मिला के कोई बहुत ज़्यादा यात्रा यहाँ पर नहीं नज़र आ रही, ना ही कोई ज़्यादा बड़ी डिप्रेशन का योग नज़र आ रहा है। व्यापारिक रेखाओं की यदि बात करता हूँ तो यहाँ पर यदि देखते हैं तो इनके नाम से आप यदि व्यापार करेंगे तो वो अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी व्यापारिक रेखाएं मजबूती के साथ में यहाँ पर नहीं है, सब जगह पर टूटी हुई हैं, तो कुल मिलाकर के व्यापारिक रेखाएं इनके हाथ से मजबूती के साथ नहीं हैं। ये प्रकृति की रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ शुक्र पर्व से निकल करके एक रेखा जब यहाँ जाकर आपकी मस्तिष्क रेखा से मिलती है तो शुक्र पर्वत का मतलब होता है संसाधन, सुख सुविधा, मकान, जमीन, ये सब चीज़ें। तो यहाँ इस तरीके से यदि मैं देखता हूँ तो लगभग ये आयु के खंड से निकलेगी ये वाली शुक्र वाली रेखा, तो जहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन में लगभग लगभग 55वें वर्ष में या 54वें वर्ष में आपको बहुत अच्छा कोई सुख साधन और भी होने वाला है, या तो इनके नाम से कोई मकान बनने वाला है, या इनके नाम से कोई गाड़ी लेने वाले हैं, या इनके हिसाब से कोई भी सुख साधन आप खरीदने वाले हैं। तो ये इस रेखा का फल हुआ। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अनुकूलता के साथ में यहाँ पर पेट में कोई बात नहीं रखती है, दो मुखी रेखा है आप चलती हुई यहाँ पर, और साथ ही साथ इसके बाद ये रेखा चली और आपके जीवन के जहाँ पर ये कट लगा हुआ है यहाँ आपके जीवन का 47वां वर्ष है। 47वें वर्ष से यदि मैं बात करता हूँ तो आगे भी भाग्य रेखा अनुकूलता के साथ आपके साथ में जुड़ी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर 47 के बाद भी देखें तो वहाँ भी अनुकूल रेखाएं आपके हाथ के अंदर यहाँ से यहाँ बनी हुई हैं। तो चलिए आपके कुछ सवाल लेता हूँ। सबसे पहला सवाल पूछा है आपने सेहत का, बिल्कुल सही पूछा है आपने। मैंने बता भी चुका हूँ आपको कि बिल्कुल सेहत का ध्यान रखिए, 6-7 साल इनको सेहत और यहाँ भी चिन्ह आ गए हैं सेहत केतु स्थान पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक एक्स का चिन्ह मुझे मंगल पर्वत पे मिला था तो कहीं छोटी मोटी सर्जरी का भी सामना करना ना पड़ जाए, इस प्रकार का चिन्ह मुझे यहाँ पर नज़र आया, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखना, बहुत बड़ी कोई ख़राबी की बात नहीं है। प्रधानी का लक्षण का जवाब दे दिया मैंने आपका। फ्यूचर की बात करें, इनका फ्यूचर बढ़िया है, ये जहाँ जाएँ वहाँ सुखी रहें, जिनके भाग से ये जहाँ रहें वो परिवार सुखी रहे। पैसे की स्थिति बिल्कुल अनुकूलता से इनके पास में बनी रहेगी लास्ट तक। बच्चों का पति का सहयोग, पति के साथ में इनके थोड़ा सा बच्चों का सहयोग है पूरा, पति के साथ में थोड़ा सा इनके अनबन के रिश्ते हैं, तो यहाँ इतना ही भर, इससे कोई ख़राब की बड़ी बात नहीं है।
तो आपने पूछा मेरा हाथ पति के लिए कैसा, आपके भाग से पति खा रहे हैं, इसकी निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपका जो बृहस्पति पर्वत है वो बहुत ही अनुकूलता के साथ है। साथ ही साथ शुक्र पर्व भी आपका नीचे का बहुत अनुकूल है, और जब बृहस्पति और शुक्र पर्वत अनुकूल होता है तो ऐसी स्त्री के महाध्यास से के भाग्य से पति के अच्छे साधन बने रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये भी हुआ, मंगल रेखा थी आपके हाथ के अंदर, वो सपोर्टिंग रेखा के रूप में यहाँ पर मौजूद है, तो ये अपने आप में लगभग आपको 57 वर्ष तक मिली हुई है, सब मुसीबतों से बाहर ले जाने वाली रेखा। अब बात करेंगे हम आपकी आयु रेखा में। देखिए आप आयु रेखा के बारे में भ्रमित हो सकती हैं। जब मैं आपकी इस हाथ को देख लूँ, जरा दूसरे में भी देख लेता हूँ एक बार, बिल्कुल औरतों का लेफ्ट हैंड माना जाता है, और यहाँ दूसरी भाग्य रेखा के साथ में आपकी ये आयु रेखा जुड़ करके नीचे तक पहुँच जाती है, यानी कि 77 लगभग 77 वर्ष की आयु है आपके लेफ्ट हैंड से। अपनी आयु को देखा करें, इधर के हाथ से ना देखा करें, तो आयु रेखा आपके पास 77 की है मौजूद, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती है, किसी प्रकार की टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया, अब मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपका साहस बना रहे, आपके रोग रोग से आपको छुटकारा मिलता रहे और आप जीवन में तरक्की कर सकें, तो आपके लिए क्या करें। मुझे लगता है आपने एक रत्न तो पहन रखा है, शायद वही पहन रखा हो जो मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर एक इटालियन ट्रायंगल किस्म का, यानी कि त्रिभुज की किस्म का आपको इटालियन मूंगा पहनना है इस उंगली के अंदर, ये आपका रत्न बनता है। साथ ही साथ तांबे में आपको पहनना है, हम आपको बनवाकर आपके स्थान तक पहुंचा भी सकते हैं डाक के द्वारा, यदि आपने पहन रखा है तो ठीक है, तो कृपया करके इसे तांबे में पहन लें, ट्रायंगल का होना ज़्यादा जरूरी है त्रिभुजकार का। साथ ही साथ रोज़ाना अपनी पूजा में भगवान शिव और हनुमान जी को जोड़ लीजिए, अपने जीवन में सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।